और जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में से 2 बताया जा रहा है हिस्ट्री स्टेटर में भी शामिल है, जिस पर 8 दिसंबर 2023 को मानगो पुलिस कांस्टेबल रामदेव और शहजाद उर्फ टाडा की गोली मारकर हत्या करने के आरोप हैं। एसएसपी कौशल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधी मुसाबनी इलाके में डकैती की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इस दौरान डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर पंप हाउस के पास से सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। दिनांक 9 तारीख 9 जनवरी 2024 यानी कि कल संध्या में इस प्रकार की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुसाबनी थाना अंतर्गत बेनासोल ग्राम के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे पंप हाउस के पास कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं, जो हरवे हथियार से लैस भी हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देशन में डीएसपी मुसाबनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 1 चापड़ और कुछ अन्य परंपरागत सामान जो है वो बरामद हुआ है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह मामला भी संज्ञान में आया कि दिनांक 8-9 तारीख की रात्रि में तालाडी सुरदा स्थित डीवीसी पावर स्टेशन से इनके द्वारा कॉपर एल्यूमिनियम की तार की बड़ी मात्रा में चोरी की गई थी, जिसमें करीबन 1 टन कॉपर एल्यूमिनियम का तार और तार काटने के लिए जो लोहे के कटर्स वगैरह हैं और तार ढोने के लिए गाड़ी वगैरह का जो यूज़ किया गया था टाटा 407 का, वो भी बरामद हुई है।